भाजपा के हाथ से निकला झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे में सत्तारूढ़ भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी को सोमवार को हुई मतगणना में करारी हार मिली। राज्य में जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन को बहुमत मिल गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कई मंत्री स्पीकर हारे। मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ व विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं तीन प्रमुख मंत्री भी चुनाव हार गए, जबकि सात को जीत मिली। कोल्हान में 2014 में 14 में 5 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार अपना खाता भी नहीं खोल पाई। मत प्रतिशत घटा। इसी साल लोकसभा में राज्य में 51% वोट पाने वाली भाजपा को विधानसभा चुनाव में 33.4% मत मिले। 10 महिलाएं जीती। चुनावी जंग में 10 महिलाओं ने भी जीत दर्ज की है, जिसमें 6 पहली बार जीत कर पहुंची हैं। वहीं चुनाव जीतने वालों में 41% युवा चेहरे। पांचवी बार सत्ता। झारखंड के 19 साल के इतिहास में सोरेन परिवार पांचवी बार सत्ता में आया है। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि उनके बेटा युवा आदिवासी नेता हेमंत सोरेन राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। इससे पहले वे 2013 में मुख्यमंत्री बने थे। रघुवर का इस्तीफा। शाम को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया। पार्टी को मिली पराजय पर रघुवर दास ने कहा कि यह पार्टी की नहीं बल्कि मेरी व्यक्तिगत हार है। तीन बड़े चेहरे हेमंत सोरेन दोनों जगह जीते। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष 44 वर्षीय हेमंत सोरेन ने दुमका और बरहेट में 2 सीटों से जीत दर्ज की। बरहेट में उन्होंने भाजपा के सिमोन और दुमका में भाजपा की लुइस मरांडी को हराया। बाबूलाल मरांडी जीत दर्ज की। 2014 में 2 सीटों पर हारने वाले पूर्व मुख्यमंत्री व जेवीएम नेता बाबूलाल मरांडी इस बार धनवार से जीत गए। मरांडी 13 साल पहले भाजपा से अलग हुए थे। अब अगली चुनौती दिल्ली और बिहार में। भाजपा के सामने अगले साल के शुरुआत में दिल्ली और आखिर में बिहार के चुनाव में चुनौती होगी। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में इन नतीजों का असर देखने को मिल सकता है। दिल्ली में भाजपा 20 साल से सत्ता से बाहर है। आम आदमी पार्टी से मुकाबले के लिए नेतृत्व में और रणनीति दोनों पर काम करना होगा।